जब कभी हमारा मीठा खाने का मन हो, तो ऐसी एक रेसिपी मिल जाए जो कम समय में और इजीली घर में बना सकें, ऐसा कुछ, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज हम बनाएंगे पुडिंग। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने 2 कप ली है चीनी और 1 कप हमने पानी लिया है और इनको एक तार आने तक बॉईल कर लिया है। आप भी इसे बहुत आसानी से घर पर बना लेंगे। पैन में हम अब 2 कप दूध रख लेंगे। इस दूध को हम जब 10 मिनट तक बॉईल करेंगे तो ये कुछ गाढ़ा हो जाएगा। दूध में हम 4 टेबलस्पून चीनी भी डाल देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हल्के हाथों से जब हम मिक्स करेंगे तो ये बॉईल भी होता रहेगा साथ में और चीनी भी इसमें घुल जाएगी। अब हमने आधा कप एकदम ठंडा दूध ले लेना है और उसमें 3 टीस्पून हमने कॉर्न स्टार्च यूज़ किया है। आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा ठंडे दूध में और उबलते हुए दूध में हम इसको डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे, इससे ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये इतना गाढ़ा हो कि स्पून में इसकी एक लेयर बने। अब हम इसमें आधा कटोरी क्रीम डाल रहे हैं। घर की मलाई का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको चलाते रहेंगे और ये एक अच्छा सा हमारा मिक्स बन गया है। ये देखिए एक लेयर हमारी चम्मच में बनने लगी है, तो मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर विस्क भी कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए हम एक डिश चाहिए होगा, ये हमने ले लिया है। इसमें हम सबसे पहले रस्क को रख लेंगे। कहीं हमें रस्क तोड़कर भी सेट करना होगा इसको बराबर करने के लिए। ये देखिए ये सब रस्क एक लेयर बन गई है इसकी। अब हमने जो चाशनी बनाई थी सब तरफ हमने इसको लगा देना है अच्छे से। कहीं भी ये छूटना नहीं चाहिए। पूरे अच्छे से चाशनी को हम फैला देंगे। चाशनी लगाने के बाद अब ये जो हमने मिक्स बनाया है इसको भी सभी तरफ हमने रख देना है और स्प्रेड कर देना है। ये देखिए ये बिल्कुल बन गया है। अब हम इसको हल्का सा टैप कर लेंगे। फिर से हमने रस्क की एक लेयर बनानी है। अब फिर से हम इसमें चाशनी लगा देते हैं। चाशनी यहाँ हमने लगा दी है। अब फिर से हम इसमें मिक्स लगाएंगे। ये मिक्स बहुत ही स्मूथ बना है और चाहिए भी हमें ऐसा ही। अब हम इसमें फिर से एक लेयर और रस्क की लगा देंगे। शुगर सिरप हमने लगा दिया है, फिर से मिक्स लगा दिया और ये हमारा पूरा बनके रेडी है। अब हमने इसमें फॉइल से इसको कवर कर देना है और 1.5 से 2 घंटे तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, कुछ कटे हुए बादाम और कुछ कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं। ये देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको 1-2 घंटे और भी फ्रिज में रख सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा और ये ठंडा सा अच्छा लगेगा।
अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप भी पुडिंग को घर पर ज़रूर बनाएं, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेकर आएंगे आपके लिए एक नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।